चलो इस ठंड में भलाई का काम करते हैं। जो लिबास हमारा काम कर चुके हैं वो लिबास अब जरूरतमंदों के नाम करते हैं। ठंड का मौसम अब पूरी परवान पर है। दिसंबर का महीना चल रहा है, शीतलहरी चल रही है। इस कड़ाके की ठंड में हम जब भी बाहर निकलते हैं तो स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी, दस्ताने आदि पहनकर निकलते हैं। फिर भी हमें ठंड लगती है और हम कांपने लगते हैं। क्या आपने कभी उन गरीब और जरूरतमंदों को देखा है जो इतनी ठंड में भी सड़कों पर रहने को मजबूर हैं? सही मायनों में ठिठुरना, कांपना और सर्दी का एहसास करना इनकी जिंदगी है। इनके पास न घर है न कोई छत। ठंड क्या होती है और कांपना किसे कहते हैं वह भला इन गरीबों से अच्छा कौन बता सकता है। जबरदस्त ठंड वाली रात में कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से निकलकर इन जरूरतमंद लोगों को भी देखते हैं और इनके दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। मुजफ्फरपुर में इन दिनों सर्दी काफी बढ़ चुकी है। बदन को कपा देने वाली शीतलहरी चल रही है। यहां हजारों ऐसे लोग हैं जो जिले के हर चौक चौराहों पर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर में सामाजिक कार्यकर्ता और हके हिंदुस्तान मोर्चा के संयोजक तमन्ना हाशमी ने भी इन जरूरतमंद और असहाय लोगों की सुध ली है। तमन्ना हाशमी ने मुजफ्फरपुर के कई चौक चौराहों पर जा जाकर जरूरतमंद के बीच कंबल और गर्म कपड़ा वितरण किया है, जिससे कई जरूरतमंदों को राहत भी मिली है। बहुत लोगों का मानना है कि इन चीजों की पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई लोगों के लिए जो समर्थवान है, इस तरह की खबरें जागरूकता का संदेश फैलाती हैं। और यही मानना है सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी का। उनका भी कहना है कि जिनके अंदर थोड़ी सी भी क्षमता हो वह आगे आए और जरूरतमंदों की मदद करें। हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि अगर आपके पास समर्थ हो या आपके पास पुराने गर्म कपड़े हो तो आप अपने आस पड़ोस के जरूरतमंदों को उन्हें जरूर दें, क्योंकि इस ठंड में उन्हें आपके सहायता और मदद की जरूरत है। अगर आपका हाथ उनके मदद के लिए आगे बढ़ता है तो फिर कोई भी ठंड में ठिठुरने को मजबूर नहीं होगा। देखिए, हम जाके उन लोगों को कंबल बांट रहे हैं जिनको जरूरत है, जो लोग रात के खुले में खुली आसमान के नीचे सो रहे हैं। हम आप तो अच्छे से रजाई में सो रहे हैं, गर्म घर में सो रहे हैं, हीटर लगा के सो रहे हैं, लेकिन जो लोग रोड पे सो रहे हैं, तो हके हिंदुस्तान मोर्चा की तरफ से उन लोगों के लिए कंबल बांटने का काम किया जा रहा है और हम लोग कर रहे हैं। उन लोगों की जिनको ज़रूरत है उन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन तक जो है कंबल पहुंचे और इस ठंड में उनको थोड़ी सी राहत मिले। और मैं उन भाइयों से भी अपील करना चाहूँगा जिन लोगों के पास थोड़े से पैसे हैं, जो लोग सक्षम हैं ये करने में, प्लीज़ कीजिए आके और देखिए हमारे आपके जैसे इंसान यहाँ पे सोए हैं, जिनके पास न ओढ़ने को सही से कंबल है न खाने को सही से खाना है, ये हमारी आप ही की तरह है। तो थोड़ी सी अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल से बाहर निकल के इनके लिए एक इंसानियत के नाते सोचिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा आप सभी को।